नमस्कार, मैं हूँ तुलिका रचना और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। दरभंगा सांसद कीर्ति आजाद ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। फिल्म एक्टर नसरुद्दीन शाह के बयान का समर्थन करते हुए कीर्ति आजाद ने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही कीर्ति आजाद ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी हमला किया है। दरभंगा के सांसद कीर्ति आजाद ने एक बार फिर बीजेपी पर तगड़ा हमला बोला है। फिल्म स्टार नसरुद्दीन शाह के बयान के साथ खड़े कीर्ति आजाद ने कहा कि देश के अंदर कुछ असामाजिक तत्व जरूर हैं, जो धर्म और जात को बांटकर अपनी राजनीति करते हैं। कीर्ति आजाद ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी जीतती है तो हिंदू को खतरा नहीं होता, बीजेपी चुनाव हारती है तो हिंदू खतरे में आ जाता है। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि मुगल राज्य से लेकर अब तक हिंदू को खतरा नहीं हुआ, लेकिन बीते 4.5 साल में हिंदू को खतरा दिख रहा है। देश के अंदर कुछ ऐसी असामाजिक तत्व हैं, ताकतें हैं, जो देश के अंदर हिंदू मुसलमानों को बांटकर राज करना चाहती है। इतने साल मुगल का और अंग्रेज का राज हमारे ऊपर रहा तो आज तक हिंदू को खतरा नहीं आया। ऐसा क्या है कि पिछले 4.5 सालों के अंदर हिंदू को खतरा हो गया है? जब तक भारतीय जनता पार्टी जीतती रही 21 राज्यों में, तब तक हिंदुओं को खतरा नहीं हुआ। जैसे ही इन 5 राज्यों में, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश है और तेलंगाना है, जैसे ही यहां हारे तो हिंदू को खतरा हो गया। ये क्या हो रहा है? नसरुद्दीन शाह के बयान के बहाने हिंदुस्तान के आंतरिक मामले में घुसपैठ कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा और उनके अधिकार पर उठाए सवालों पर कीर्ति आजाद ने इमरान खान को 2 टूक जवाब देते हुए कहा कि इमरान ज्यादा ऊपर नीचे ना करे, नहीं तो एक दिन में पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा। हम इमरान खान जीते हो चाहे जो मर्जी इमरान खान बोले, वो जाने और अपने आप को समझे, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करे, यहाँ एक दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान को खत्म कर दिया जाएगा। बिहार के दरभंगा में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए कीर्ति आजाद ने कहा कि खिलाड़ी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इमरान खान जैसे ही खिलाड़ी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, वे भी सिर्फ इस्लामिक सोच के हो गए, तभी तो पाकिस्तान मुसलमानों की फिक्र छोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों की सुरक्षा की चिंता उन्हें सताने लगी और जिन्ना की याद उनके दिल में ताजी हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को झूठा बताते हुए कहा कि ये उनकी मजबूरी है, पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, इसलिए इमरान हर चीज को इस्लामिक धर्म से जोड़ता है और ऐसी बातें बोलता है, जबकि भारत एक सेक्युलर स्टेट है जहाँ सभी धर्म के लोगों को बराबर का स्थान मिला है। थोड़ी समझदारी की, अकल की भी आवश्यकता होती है। भारत एक सेक्युलर स्टेट है, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट के नाम पर बना है, इसलिए वो हर एक चीज इस्लाम के नाम पर करता है, इसलिए इमरान खान ऐसी बातें करता है। हमारा देश सेक्युलर स्टेट है और जब हमारा देश सेक्युलर स्टेट है तो सेक्युलर स्टेट के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका बराबर का स्थान है। इस चीज को समझिए।